एमपी से यूपी की तरफ जो संदिग्ध गाड़ियाँ जाते हैं तो उसके उद्देश्य में वो लोग खड़े थे वहाँ पे चेकिंग में। तो एक जो ट्रैक्टर ट्रॉली में अवैध डीजल भर के यूपी की तरफ जा रहा था, मंदाकिनी की सॉरी गुप्त गोदावरी की तरफ से यूपी की तरफ जा रहा था, तो हमारा जो कर्मचारी है जिसका मृत्यु हुआ है उन्होंने उसका पीछा किया, उस गाड़ी को रोका और थाने की तरफ ले आ रहे थे। उस वक्त में भागने की कोशिश में उस व्यक्ति ने जानबूझकर हमारे आरक्षक के ऊपर उसके बाइक के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया जिससे उनका मृत्यु हो गया। तो पुलिस ने इसमें 302 मर्डर का दो व्यक्तियों के ऊपर जो दो आरोपी जो उसमें बैठे थे उनके ऊपर कायम करके विवेचना में ली है। उस पूरे मामले में जब से घटना हुई तब से लेके देर रात तक वरिष्ठ अधिकारियों को उन्होंने अंधेरे में रखा कि कहते हुए कि वह हादसा है, एक एक्सीडेंट है, जबकि एक मर्डर था वो। और उन्होंने जब तक वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे कोई कार्रवाई, कोई कानूनी कार्रवाई, कोई अपराध या आरोपी पकड़ने की कोई प्रयास नहीं किया। इस लापरवाही के लिए उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित करके लाइन अटैच किया गया।